हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे सिलेक्ट्रिक फैन सॉल्यूशन चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किट के बारे में। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास एक कूलर किट है, जो कि दोस्तों इसमें प्ले बहुत ज़्यादा है, बट इसको जब हम सप्लाई देते हैं फ्रेंड्स, तो ये 5 मिनट चलने के बाद बंद हो जाती है। उसी को हम आज ठीक करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो हम इसके कनेक्शन को सबसे पहले अलग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो आपने देखा इसमें ब्लैक वाले में कैपेसिटर था और रेड वाले और एक ब्लैक वाले पे सप्लाई का वायर जुड़ा था फ्रेंड्स। अब दोस्तों हमें इन चारों बोल्ट को खोल लेना है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, अब हमें इसके बोल्ट को खोल लेना है बराबर बराबर। तो इसको जल्दी जल्दी खोल लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसमें आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे कि आपकी मोटर कभी भी लाइफ में जाम नहीं होगी। ये मेरा दावा है फ्रेंड्स। सिर्फ आप वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखना दोस्तों। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमने इसके बोल्ट को खोल लिया है, यानी कि स्क्रू को अलग कर लिया है हमने। अब इसको हम खोलते हैं, प्लास की मदद से थोड़ा थोड़ा इसको ठोंकते हैं ताकि ये ढीला हो जाए फ्रेंड्स। ये कंपनी का किट है दोस्तों, ये आसानी से जो है दोस्तों बंद भी हो जाता है और आसानी से ओपन भी होता है। तो फ्रेंड्स, हमने इसके टप को बाहर निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसका आगे वाला बुश एकदम फिट लग रहा है। और दोस्तों, इसका रोटर निकालते हैं अब। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसका रोटर निकाल लिया है हमने। फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसके रोटर में पीछे वाली बुश में दिक्कत है। देख सकते हैं ये एकदम सूखा हुआ है, इसमें एकदम कचड़ा जाम गया है फ्रेंड्स। इसको हम साफ़ करेंगे और इसको सही करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। इसके मोटर को पहले हम अलग कर लेते हैं। इसकी वाइंडिंग एकदम सही है फ्रेंड्स, वाइंडिंग से हमें कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसका पीछे वाला टप, इसमें दोस्तों कचड़ा भर चुका है, अंदर स्प्रिंग के अंदर जा चुका है। इसी को दोस्तों हमें साफ़ करना पड़ेगा। इसके लिए हमको दोस्तों इसको निकालना पड़ेगा बाहर, और रूटर को भी साफ़ करना पड़ेगा, और जो है आगे वाले टप में कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, इसके लिए हमें इनके सभी रिपीट्स को खोलना पड़ेगा। तो हम इसको साइड में करते हैं और रिपीट्स को खोलने के लिए चलते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों, देख सकते हैं हमें इस तरीके से एक बैरिंग ले लेनी है, जो कि रिपीट के अंदर आ जाए, रिपीट उसके बीच में आ जाए फ्रेंड्स। इस तरीके से बैरिंग को रखना है, और एक जो है दोस्तों लोहे के गुटके पर इसको इस तरीके से रख देना है। दोस्तों, हमने इसको रख दिया है, और किसी दूसरे व्यक्ति की मदद से इसको पकड़ कर रखना है, और एक सुम्मा की मदद से दोस्तों आप देख सकते हैं, और एक हैमर की मदद से इसको हल्की हल्की चोट देना है दोस्तों, जिससे कि ये आसानी से निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये हमारी एक रिपीट निकल चुकी है। इसी तरीके से दोस्तों हमें इसकी सभी रिपीट्स को निकालना है। दोस्तों, रिपीट निकालते वक्त हमको ज़्यादा ज़ोर से इस पर हैमर नहीं मारना है दोस्तों, जिससे कि जो है इसका कवर डैमेज हो सकता है। इसको बड़े ही प्यार से दोस्तों हल्के हल्के चोट दे करके इसको बाहर निकालना है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये इसका बाहर आ चुका है टप। इसमें दोस्तों 2-3 रिपीट उसमें लगी हुई हैं अब भी, ये दोस्तों अच्छे से लगा नहीं था फ्रेंड्स, जिससे कि 2-3 रिपीट्स के निकालते ही दोस्तों ये बाहर आ गया। अब इसको हम बाहर निकाल कर इसके जो रिपीट्स लगी हुई हैं इसमें, इन रिपीट्स को निकाल लेते हैं। उसी तरीके से बैरिंग रखना है, और बैरिंग के ऊपर रिपीट को रखकर दोस्तों सुम्मा की मदद से इसको ठोंक देना है हल्का हल्का। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये हमारी रिपीट्स निकलने ही वाली हैं बस। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसका पीछे वाला जो कटोरी है इसका, वो अलग हो चुका है। इसमें दोस्तों रिपीट्स फंसी हुई हैं, इनको प्लास की मदद से निकाल लेना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें दोस्तों खर्चा तो नहीं होगा, बट आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब दोस्तों, कटोरी को हमें इस तरीके से साइज में ले लेना है। अब दोस्तों, इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है बुश को, और इसके जो है नमदे को, यानी कि सोखता जिसे आप कहते हैं, इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है स्प्रिंग सहित। तो फ्रेंड्स, हम इसको साफ़ करते हैं जल्दी से। हमें इसको बड़ी ही अच्छे तरीके से साफ़ करना है फ्रेंड्स, क्योंकि जो है
मोटर की जाम दोस्तों साफ़ करने पर ही आधारित होती है, यानी कि जैसा आप साफ़ करोगे वैसे ही दोस्तों मोटर की लाइफ बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स हमने इसको साफ़ कर लिया है, अब दोस्तों इसमें लगा देते हैं बुश। वही बुश लगाना है हमको दोस्तों, नया बुश नहीं लगाना है। अब दोस्तों इसके नंदे को लगा देते हैं। अब इसमें स्प्रिंग का जो छोटा मुँह होता है उसको बुश पे रखते हैं फ्रेंड्स। अब ये जो कैप है इसका पीछे वाला, इसको पीछे लगा करके ऊपर से इसकी कटोरी को लगा देना है फ्रेंड्स। और इसमें हमने दोस्तों देख सकते हैं दो रिपीट्स फंस ली हैं, बड़ी आसानी से रिपीट्स फंस जाती हैं दोस्तों। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको साइज में लेकर इसको दोस्तों फंस देना है रिपीट्स को। अब दोस्तों इसे ठोंक देना है इस तरीके से एक शाफ्ट की मदद से। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने दो रिपीट्स लगा दी हैं। अब फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने सभी रिपीट्स लगा कर दी हैं कम्प्लीट। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना स्मूथ दिख रहा है। अब दोस्तों इस रोटर की बात करते हैं, रोटर भी दोस्तों बहुत ही गंदा हो चुका है, यानी कि बहुत ही इसमें कचड़ा जाम हो चुका है। इसको भी वार्सल को निकाल कर अच्छे से साफ़ करना है और वार्सल को भी साफ़ करना है फ्रेंड्स, जिससे कि इसमें कोई कचड़ा ना रहे दोस्तों, जाम होने की उम्मीद ही ख़त्म हो जाए फ्रेंड्स। इसके वार्सल को भी अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं वार्सल को हमने साफ़ कर लिया है। अब दोस्तों हमें रूटर में डालने से पहले एक बार इसको फिर से हमें साफ़ कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमने साफ़ कर लिया, अब हमने इसमें दोस्तों वार्सल डाल दिए हैं। अब दोस्तों इसमें एक वार्सल और ऐड करते हैं, क्योंकि इसमें प्ले बहुत ज़्यादा था फ्रेंड्स, और दो वार्सल आगे की ओर डालेंगे फ्रेंड्स। यदि इसमें कम प्ले होता दोस्तों तो एक वार्सल से भी काम चल जाता हमारा। तो फ्रेंड्स आगे वाली शाफ्ट को भी हमें साफ़ कर लेना है, फिर इसमें वार्सल डालना है हमको। अब हमने ये दो वार्सल आप देख रहे हैं, इनको हमें आगे की ओर डालना है। अब हमने इसमें डाल दिया है इसको। तो फ्रेंड्स रूटर भी कंप्लीट हो चुका है, अब दोस्तों इसको बांधने की बारी आती है। अब दोस्तों इसको हम बांधते हैं, ये मोटर है इसका, इसमें हम इसको फिट करेंगे। फ्रेंड्स आपको मोटर फिटिंग की प्रक्रिया को बड़ी ही ध्यानपूर्वक देखना है फ्रेंड्स, यदि आप इसको इसके हिसाब से फिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंपनी का मोटर है दोस्तों, बड़ी ही जल्दी इसकी जाम खुल जाती है और बड़ी ही जल्दी ये जाम हो जाता है फ्रेंड्स। इसको बड़ी ही सावधानी पूर्वक इसको फिट करना है। इसके दोस्तों स्टेटर के जो छेद बने होते हैं और टप के छेद को बराबर बराबर मिलाकर टप को लगा देना है फ्रेंड्स। इसको घुमा घुमा कर सेट कर लेना है, छेद बराबर होने चाहिए फ्रेंड्स, वरना इसमें स्क्रू नहीं जाएगा अंदर की ओर। तो फ्रेंड्स हमने इसमें लगा लिया है आगे वाला टप। अब दोस्तों हमें इस तरीके की गरारी की आवश्यकता होगी। अब हम इसको रूटर को इसमें डालते हैं, बड़ी ही सावधानी पूर्वक दोस्तों इसमें रूटर को डालना है, ताकि वाइंडिंग का वायर जो है रूटर के साथ खींचना जाए दोस्तों। देख सकते हैं ये रूटर हमने डाल दिया है। तो फ्रेंड्स अब इसका हम पीछे वाला टप लगाते हैं। अब दोस्तों पीछे वाला टप लगाने से पहले हमको फ्रेंड्स इसके जो होल दिए होते हैं उनमें से वायर्स को निकाल देना है, जिसमें कि कनेक्शन होंगे। और इसको जिस तरीके से हमने उसका आगे वाला टप सेट किया था, उसको हमें सेम उसी की तरह फ्रेंड्स इस पीछे वाले टप को कस देना है हमको इस पर, ताकि जो छेद हैं वो बराबर बराबर रहें दोस्तों, जिससे कि पैंच इसके आसानी से इसमें फंस सकें और टाइट हो जाएँ अच्छे से। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने इसको फिट कर लिया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं बड़ी अच्छे से फिट हुआ है, एकदम आसानी से घूम रहा है। इसमें दोस्तों हल्की सी प्ले भी बाकी है दोस्तों, जब इसके पेंच को लगाकर इसको टाइट करेंगे तो ये प्ले भी ख़त्म हो जाएगी फ्रेंड्स, जिससे कि ये एकदम स्मूथ चलेगा और आवाज़ भी नहीं करेगा दोस्तों। अब इसके पेंच को फटाफट फांस लेते हैं इसमें। तो पेंच को दोस्तों हमें टेढ़ा करके इसमें अंदर नहीं डालना है, एकदम सीधा दोस्तों डालना है, ताकि ये वाइंडिंग से टच होता ना हो अंदर की ओर जाए। इसी तरीके से हमको सभी पेंच को फांस लेना है इसमें फटाक से। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा, जिससे कि आप घर पर कूलर मोटर आसानी से ठीक कर पाओगे। दोस्तों इसमें बिना किसी खर्चे के आप ठीक कर सकते हो, सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, बाकी और इसमें खर्चा कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। उसी बुश को निकाल कर साफ़ करके डाल देना है, क्योंकि बुश कटी नहीं थी दोस्तों, सिर्फ कचड़ा जमा हुआ था। इसी की खातिर ये दोस्तों 5 मिनट चलने के बाद गर्म होता था
और जाम हो जाता था फ्रेंड्स। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने सभी पेंच को लगा दिया है। अब दोस्तों इसको प्लास की मदद से बराबर बराबर टाइट करना है दोस्तों। ये इसको हम एक साइड ज़्यादा टाइट कर देंगे तो फ्रेंड्स ये जाम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने बराबर बराबर टाइट कर दिया है। अब दोस्तों देख सकते हैं इसमें प्ले नहीं रही है दोस्तों, ये एकदम फ्री हो चुका है और प्ले भी नहीं है, यानी कि ये अच्छे से फिट हो चुका है। अब दोस्तों इसके कनेक्शन करते हैं और इसको चेक करके आपको दिखाते हैं स्मूथली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो आप दो ब्लैक वायर देख रहे हैं इसमें हमको 4 MFD का कैपेसिटर जोड़ना है फ्रेंड्स, जो कि इसमें निकला था अभी, जो कि एम कैप कंपनी का है दोस्तों। इसको हमें दोनों ब्लैक वायर में दोस्तों ज्वाइंट कर देना है और एक सप्लाई रेड वायर पे जो कि सिंगल वायर है, और एक दोनों में से किसी जॉइंट पे जिस पर चाल सीधी रहे दोस्तों। तो फ्रेंड्स अब हम इसको करते हैं चेक। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने ले लिया है सप्लाई वायर। अब दोस्तों इसके रेड वायर पर हमें एक कनेक्ट कर देना है जो कि सिंगल वायर रहता है जो कि मेन है अंदर से, और इसके दूसरे सप्लाई वायर्स को किसी एक जॉइंट पर जोड़ देना है जिस पर चाल सीधी रहे। जब चाल उल्टा हो जाती है फ्रेंड्स तो इसको हम दूसरे जॉइंट पर रिफ़र कर देंगे दोस्तों। अब हमारे पास ये सीरीज बोर्ड है, हम इसमें लगा कर देखते हैं फ्रेंड्स, ये एकदम ओके है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं एकदम स्मूथली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई जाम प्रॉब्लम नहीं, बट ये उल्टा चल रहा है दोस्तों। इसको क्लॉक वाइज चलना चाहिए बट ये एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है। अब दोस्तों इसकी हम चाल को चेंज करेंगे, इस जॉइंट पर से वायर को हटा करके दूसरे वाले ब्लैक वायर के जॉइंट पर हमें इसे जोड़ देना है दोस्तों। तो हमने इसको जोड़ दिया है फ्रेंड्स, अब हम इसको फिर से सप्लाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये एकदम ओके है, यानी इसकी चाल जो है सीधी हो चुकी है, ये क्लॉक वाइज घूम रहा है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी और आप इसी तरीके से अपने घर पर कूलर मोटर की जाम आसानी से ठीक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, और दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।